टू फार्म्स में आज हम बात करेंगे अवाकाडो को सीड से कैसे ग्रो करें। तो ये हमने कुछ अवाकाडोज लिए हैं, ये हास अवाकाडोज हैं, एक नाइफ और टूथपिक्स, हमें 3 टूथपिक्स चाहिए और एक ग्लास पानी जो कि आधा भरा होगा। तो सबसे पहले हम जैसे ये लेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है और ये थोड़ा सा कम है। इसका कलर जो डिपिक्ट करता है कि ये कितना पका हुआ है, जितना ये डार्क होगा उतना ज़्यादा पका होगा, ये पूरा पका हुआ है। तो इसी को हम लेंगे क्योंकि हम अपना खा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी पिट जो है, इसके अंदर पिट होती है, उसको यूज़ करेंगे। इसको कट करके इसकी पिट निकालेंगे। ये हास, देखिए आप देख सकते हैं, ये अवांजा कंपनी का न्यूजीलैंड की वैरायटी है, हास अवाकाडो है। तो इसके अंदर एक पिट होती है, हम इसको निकालेंगे। तो इसको हम एक नाइफ लेके इसको ऐसे पूरा कट करके राउंड को उसको बस ट्विस्ट करेंगे। तो ये मैं कट कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे पूरा कट करके तो घुमा के इसको अच्छी तरह से बराबर कट करना है ताकि पिट डैमेज ना हो अंदर। इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना, ट्विस्ट करके आराम से आ जाएगा। तो ये पिट होती है अंदर, बाकी जितना भी है वो फ्रूट है। तो हमने पिट को निकालना है अंदर से। तो इसके लिए हम स्पून ले सकते हैं या नाइफ भी ले सकते हैं। ये नाइफ के साथ ऐसे पिट को नीचे से हर साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर को खींचना है। तो जैसे ये पिट आ गई, उसके बाद जो ये पिट लगी है, पिट के ऊपर जितना भी ये पल्प लगा है इसको साफ़ कर लेना है। ये पल्प नहीं लगा रहना चाहिए, इसको चाहे नाइफ से उतार लें चाहे पानी से साफ़ कर लें। इसको जितना भी है ये पल्प उतार लेनी है इसकी पूरी। उसके बाद ये जो छिलका है इसको पानी में रख के पिट को और ऐसे साफ़ कर लेना छिलका। जैसे साफ़ हो गया छिलका तो तब हमने इसका अगली प्रोसेसिंग शुरू करनी है, क्योंकि जब तक ये छिलका नहीं उतरेगा तब तक ये सीड ग्रो नहीं होगा। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए इसने पहले रूट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद प्लांट निकलता है, लेकिन जो छिलका होता है उसको निकलने नहीं देता। तो हमने इसके टूथपिक लगानी है, 3 टूथपिक्स लगानी है, ऐसे लगानी है जैसे आप देख सकते हैं, एक एक साइड में लगा दी, एक दूसरी साइड में, एक तीसरी साइड में, ऐसे ऊपर से नीचे को लगानी है। क्योंकि एक ग्लास में जब रखेंगे इसको तो ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में रहे। इसको ऐसे रख देना ग्लास में, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, यहाँ ऊपर से आधा पानी के ऊपर रहना चाहिए। जैसे इसमें अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब मैं पानी थोड़ा सा कम कर दूंगा इसमें से। तो आपने इसको बस ऐसे रखना है कि इसका आधा से नीचे बस वो हिस्सा पानी में हो। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा पानी के ऊपर रहना चाहिए, जो नीचे वाला वो नीचे रहना चाहिए। नीचे एक गांठ सी बनी होती है। अब देखेंगे, मैं पानी कम कर दिया तो आप बिल्कुल लेवल देखिए इसका, इस ये लेवल तक होना चाहिए। अगर बाहर रखा हुआ अगर पानी कम भी हो गया तो आपने पानी ऐड कर देना है, और तो धीरे धीरे देखेंगे आप रूट फॉर्मेशन होगी, मैं उसके आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में यही था, इसका बाकी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसका ग्रोथ हो गया अपडेट, मैं आपको अपडेट करता हूँ। धन्यवाद।